बोली था झूठा है नंबर वन का, 2 करोड़ नौकरी की बोली, 4 करोड़ पब्लिक बच्चे पढ़े लिखे परेशान है सब दुनिया, बच्चों को नौकरी नहीं, इसीलिए तो पब्लिक दोबारा दोबारा बना रही है। अगर दुखी होती तो इनको 0 पे लाके मारती यहाँ पे। मोदी हारता हुआ देख रहा अपने आप को, अमित शाह हारता हुआ देख रहा, इसलिए वन इलेक्शन कराओ, सबको बांट दो सबका दिमाग, सब बेवकूफ नहीं है देश में। ये सब अपने इनको अपनी दुकानें बचाने में लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूँ आरजू दुबे। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही इंडिया जो गठबंधन बना है उसको लेकर भी लगातार विपक्षी दलों की बैठक लगातार चल रही है। इसी पर बातचीत के लिए हम लोग भी ग्राउंड जीरो पर आ गए हैं, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष का आखिर प्लान क्या है। लगातार जो ये इंडिया गठबंधन की बैठकें चल रही हैं, साथ ही फ्रीबीज, आजकल जो फ्रीबीज में ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन अगर जीतता है तो सिलेंडर जो होगा वो 500 रुपये में मिलेगा। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर आज लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब बातों को लेकर उनका क्या कहना है। लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं, 23 में भी हो सकते हैं, 23 में भी हो सकते हैं, कैसे वो पता लगेगा ना, अभी बहुत जल्दी पता लग जाएगा, हो सकते हैं दिसंबर तक हो जाए। अच्छा, तो वही है वन नेशनल वन इलेक्शन। अच्छा, तो आप इसके सपोर्ट में है, वन इलेक्शन वन नेशन? नहीं, बिल्कुल है, सारी बहस से पहले नहीं हुए थे क्या 58, 62, 65, 68 में? तो पहले क्या था, यही तो चीज थी हमारे देश में, क्योंकि अगर ये पांच अब तक क्या था कि इलेक्शन आज हर साल कहीं ना कहीं होते रहते थे। सर, जानना चाहूंगी, विपक्षी दल ना लगातार बैठक कर रहे हैं, इंडिया जो गठबंधन बनाया गया है उसको लेकर बैठकें की जा रही हैं, साथ ही जो फ्री की रेवड़ी वाला जो मैटर है ना, इसको लेकर कि अगर इंडिया गठबंधन जीता तो ये मिल जाएगा जनता को, ये मिल जाएगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैडम, बात क्या है, ये सब अपने इनको अपनी दुकानें बचाने में लगे हुए हैं। इनकी दुकानें जो है ना वो बंद हो रही हैं। क्यों बंद हो रही हैं? अब इन्होंने नया फॉर्मूला चला दिया 500 का सिलेंडर। 2012 में भी सिलेंडर 900 रुपये था, आज फिर वही रेट आ गया 2023 में 900 रुपये का आ गया सिलेंडर। इनको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हयात मुंबई गए, ये बैठे हैं वहाँ पे हयात होटल में, 16,000 रुपये का खाना खा रहे हैं, क्योंकि गरीबों के मसले उठाने गए हैं ये। 345 रुपये की बोतल ले रहे हैं पानी की। इन्होंने कुछ नहीं करना है, इन्होंने अपने जो दुकानें ऐश परस्ती करनी है, हमारे पैसे से इन्होंने खाना पीना है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। पहला नंबर तो ये इंडिया नहीं है, क्योंकि ये डॉट वाले हैं, इंडिया हमारा बहुत अच्छा है, ये डॉट वाले हैं। जब पहले ही इन्होंने अपने नाम में ही डॉट लगा लिया तो ये काम क्या करेंगे। इन्होंने ये साबित कर दिया कि हम डॉट हैं तो डॉट ही रहेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि दूसरी भारत जोड़ो यात्रा भी निकालेंगे। वो कौन सी भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा ही कहाँ था, जो तोड़ने में इन्हीं का ही तो हाथ था। 1947 में किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, कौन से किसके सर है, इनके इनके खानदान किस तरह का सर, जो तोड़ने की बात करी है। और फिर सनातन धर्म में भी आज क्या देखा, किसी ने पार्टी ने क्या बोला, सनातन धर्म को लेकर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। एमके स्टालिन कह रहे हैं कि सनातन धर्म एक डेंगू है, समझे ना, मलेरिया है। ये बातें कह के तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आज जो 80 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में सनातन है तो वो कहाँ जाएंगे आज की तारीख में? तो ये बातें इनकी कहने की है। इनके पास मैडम कोई मुद्दा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना कोई ब्लू प्रिंट है। और यही 1947 में इन्होंने तोड़ा, बाद में 84 में क्या हुआ, सन 80 में क्या हुआ, समझे ना। तो ये सब चीज़ इन्होंने क्या किया है, इनके बस की कुछ नहीं है, इनका काम यही है और अपना ब्लू प्रिंट। ये इनका और कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी को हटाना, इनका मुद्दा कुछ नहीं है। मोदी ने जब ये सेशन चल रहा, इनसे विपक्ष वाले से पूछा, भाई तुमने इंडिया नया वो बनाया संगठन, इसका तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो तुम देश के लिए क्या करोगे या अपना लिए क्या करोगे? इनका बोला कि हमें सिर्फ मोदी हटाना। जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं आजकल, तो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सिलेंडर फ्री में मिलेगा, 500 रुपये का सिलेंडर हो जाएगा। और करके देखो ये पे ये जो ना फर्जीवाल ने सबको जो ना वो बांट दिया ना, तो अब फर्जीवाल की हालत क्या है, इसको देख लेना रिजल्ट, करके तो देखो। पहले विपक्ष में मोदी को टक्कर देने के लिए किसका चेहरा देख रहे हैं? किसी का भी नहीं है चेहरा, सारे अलाउद्दीन है, चिराग लेके ढूंढ रहे कि हमें चिराग मिल जाए कहीं से। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, पलटू राम भी भ्रष्टाचारी और फर्जीवाल। पलटू राम कौन? नीतीश कुमार। अच्छा। जो इनका संयोजक बन रहा। और ममता थ्री के बारे में उन्हें पता नहीं था, जानकारी नहीं थी कि चंद्रयान। अरे बात सुनो, उन्होंने गांजा पिया और वो मस्त हो गया,
जब उससे पूछा भाई चंद्रयान हमने उस पर पहुंचा दिया चंदा पे है जी, तो तुम्हारा क्या है? मुझे तो पता ही ना ये क्या है। तो उसको तो उसने गांजा पिया मस्त हो गया, उसको कोई लेना देना नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आज एक कांग्रेसी क्या बोल रहे हैं? और एक डीएसपी को जितने भी चंद्रयान में यात्री गए उनका बहुत धन्यवाद करता है। बताओ उसमें यात्री गए थे या कोई गया था क्या? इससे ज्यादा हमारे देश की क्या होगी? अरे साइंटिस्ट है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हमारे देश के अंदर, उन्होंने किया है। और उसके बाद में अपोजिशन गया उनको मुबारकबाद देने के लिए नहीं गया, क्योंकि वो उनको यही है खड़क सिंह ने खिड़किया ही खड़केंगी और कोई नहीं खड़केगा, पब्लिक भी नहीं खड़केगी उनके कहने से। तो मैं तो यही कहूंगा ये किसी दिन में नहीं है, आज की तारीख में सीट आ रही है। आज की डेट में अगर इलेक्शन होता है तो विपक्ष की 55 सीटें, 100 का आंकड़ा भी पार नहीं है जो ये कूदते फिर रहे हैं, दुनिया भर का पैसा खराब कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि जनता दुखी हो चुकी है एकदम मोदी के काम से। मैडम कौन दुखी है? कौन दुखी है? कोई दुखी नहीं है, कोई दुखी है। सब खुशी है, इसीलिए तो पब्लिक दोबारा बना रही है। अगर दुखी होती तो इनको जीरो पे लाके मारती यहाँ पे। मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी सर, मुझे एक बात बताइए, ये जो इंडिया गठबंधन का लगातार बैठकें चल रही हैं, इससे क्या फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फायदा ही होगा, गरीबों का फायदा होगा। मोदी तो झूठा है, नंबर वन का 2 करोड़ नौकरी की बोली और 15-15 लाख पब्लिक को देने की बोली। मामा ने ना था, कोई बच्चों के स्कूल भी नहीं चल रहे कहीं दुनिया में, सब परेशान है पब्लिक। ये 5-5 साल की झाड़ी वारे नाचे हैं, क्यों बोलते रहे मोदी के पढ़ाई करें सब। ये सर तो बड़ी मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे अभी, सब ऐसे ही झूठा है सब। रे में सच्ची कोई बात बोलता नहीं है बेचारे, 2 करोड़ पब्लिक बच्चे पढ़े लिखे परेशान है सब दुनिया, बच्चों को नौकरी नहीं, 4 लड़के मेरे घर कोई भी काम नहीं है बेचारे, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, सब परेशान है दुनिया। क्या बोल रहे हैं सर? ये सर क्या बोल रहे हैं? लोकतंत्र मैडम, लोकतंत्र में सबको कहने का हक है। अब ये सोच है इनकी है या उनकी सोच है या बच्चों की सोच है, आज की तारीख में जो है ना वो जमाना टाइम गया, जो बच्चा काबिल होगा और जिस टैलेंट में होगा वो बच्चा उसी में सक्सेस होगा। ये 1 इलेक्शन की क्या चुनाव क्या आ गई, हारते हुए देखकर हारने को हुए हार, जब देख रहे तो मैं हार रहा हूँ इसलिए एक ही साथ चुनाव करो, ये सब अपने विधानसभा चुनाव में लग जाए, लोकसभा में कोई जाए ना, क्या जरूरत है? जब मोदी हारता हुआ देख रहा है अपने आपको, अमित शाह हारता हुआ देख रहा है, इसलिए 1 इलेक्शन कराओ, सबको बांट दो सबका दिमाग, सब बेवकूफ नहीं है देश में। राहुल गांधी जी पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा उसको पप्पू बनाने के लिए कितना करोड़ रुपया इन लोगों ने दिया आपको पता है ना? इसको दिखाओ ना मैडम, उसे पूछाओ ना कितना करोड़, एक उसके ज्यादा जितने देश के दुनिया के जितने माने हुए यूनिवर्सिटी हैं बड़े बड़े विदेशों के, सब में पढ़ा हुआ राहुल गांधी के पास कितनी डिग्रियां आपको पता होगा। नरेंद्र मोदी जी ने हाँ सबको छोटे से बच्चे को झूठ बोलना सिखा दिया। आप उनसे ये पूछो सन 2014 में कर्ज कितना था, आज कर्ज कितना, पूछ क्या हो बोले, मैं दोबारा यहीं खड़ा हूँ तो पूछ क्या हो? होते हैं ना ऐसे नहीं बोलते, इस देश पे कितना कितने करोड़ का कितने हजार करोड़ का कर्जा हो गया और पहले कितना था कांग्रेस के टाइम में, आप ये पूछे ना तब जवाब। ये जवाब बोल रहे हैं सर, इधर आके जवाब दीजिए ना, आप मैदान छोड़ के जा रहे हैं, आप मैदान छोड़ के जा रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे कुछ। देखिए नहीं मैदान, एक मिनट रुके, बोलने दीजिए। आज जो बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट है उनकी मैंने कहा ना उनकी एजुकेशन के ऊपर सब कुछ है आज की तारीख में। पहले क्या हुआ था मुलायम सिंह की सरकार में एक बार उन्होंने कहा था कि एक मिनट 12वीं तक का कोई बच्चा फेल नहीं होगा। सर आप अभी 2014 की बात कर रहे थे ना, आप एक मिनट के, आप अभी 2014 की बात कर रहे थे। आज विश्व में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, उस पे बात, उसके बारे में रोजगार नहीं है। देखो उसके बावजूद जो रोजगार नहीं है यहाँ पे, सवाल करिए उसके बावजूद रोजगार, देखिए रोजगार भी कई क्वालिटी के, आज की तारीख में जैसी एजुकेशन होगी ना वैसी होगी। आज काफी लोगों में है ना ये चाह रहे कि हमें सरकारी नौकरी सबकी तरह से मिल जाए, क्योंकि आराम से जाए, आराम से आए, टाइम सिंह जाए। और नहीं आज की जनरेशन जो पढ़ी लिखी है वो सरकारी नौकरी को लात मार रही है आज की तारीख में, बड़े बड़े अच्छे डेढ़ तोले के आसमी है, समझे ना? तो ये सुनो सर, देखो अंकल आप यहाँ आओ, कोई बात नहीं। आप सुनिए, आप देखो मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा, तजुर्बे में बहुत छोटा, मैं आप मुझे ये बताइए सन 2014 में भारत देश पे कर्ज कितना था, आज कर्ज कितना है? आज जो भी कर्जा लिया गया है ना वो देश की हित के लिए गया। अच्छा सोच, आप चुप रहिए एक बार बोल देना, एक सेकंड जाने मत जाओ प्लीज। आप मुझे 10 यूनिवर्सिटी बना दो, बनाई हो नाम बताओ, बनी तो रही है, नहीं बन रही, आप बताइए, आप बता दीजिए। ये भारत देश की मिट्टी स्वरूप रही है,
मेरे लिए ना मोदी, ना मेरे लिए राहुल, ना मेरे अरविंद कोई भी सर्वोपरि नहीं है। मेरे लिए इस देश के रोजगार जरूरी है। मेरे लिए ये सवाल बेहद जरूरी है कि आज देश का नौजवान दर दर क्यों भटक रहा है। आपके लिए हो सकता हो ना हो, मुझे नहीं मतलब नहीं है। मैं ये कहता हूँ 14 में कर्ज कितना था, आज भावुक हो रहे हैं। सुनिए, नहीं भाविक हूँ, भावुक होऊंगा, भावुक होऊंगा, क्यों ना हूँ। देश बिक गया, सारी संस्थाएं बेच दी, वो पैसा कहाँ गया। 28% GST ठोक दिया, इतना हमने कलेक्शन कर दिया। कलेक्शन करने के बाद आप 5 IIT बता दो बनी हो तो, अब पढ़ने के बाद बच्चे कहाँ भटक रहे हैं। हिंदुस्तान पहला एक, अब आज की डेट में ना हर दिन, आप तो मुझसे ज़्यादा समझदार हो, मीडिया में हो, हर दिन कह रहे ना साहब, हिंदुस्तान में से हर दिन 600 के करीब हिंदुस्तानी भारत देश को छोड़ रहे हैं। आप इनसे पूछो अच्छा तो क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन लगातार यहाँ पे बहस हो रही है, बहस हो रही है, और तमाम मुद्दों पर यहाँ पे विपक्ष की तरफ से भी मोदी सपोर्टर, राहुल गांधी सपोर्टर, यहाँ पे ममता बनर्जी सपोर्टर लगातार यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं, अपनी अपनी अलग राय दे रहे हैं। दिल्ली से आरजू दुबे की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन कुलवंत के साथ श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।